guys, follow me on my Instagram and Auto Reviewer, as I'll be posting regular content over there. And do hit that post notification bell so that whenever I post a content, you get notified. Before we get on with this video, I would like to give a huge shout out to the Rohan Motors Maruti Suzuki Arena showroom situated in Gurgaon Sector 54 for helping me out with this video. And I'd suggest if you have any queries regarding their cars, you can always hit them up over a call. I'll leave all details in the description, so do check them out. Hello everyone, how are you all? I hope you are all doing fine. So today we are reviewing the Maruti Suzuki Celerio VXI in front of us. So ye jo aap model dekh rahe ho in red, this is the VXI manual transmission petrol. Aur white wala jo dekh rahe ho, this is the VXI manual transmission petrol with accessories. To hum uski baat bhi karenge agar aap batate ho mujhe ko. To main uske liye ek separate choti si video bana dunga ki accessories mein kya kya milega. बट फिलहाल मैं इस गाड़ी की बात करूं तो ये सेलेरियो की जो प्राइस रेंज शुरू होती है, इट्स अबाउट 5.25 लाख्स एंड रेंजेस अप टिल 7 लाख्स एक शोरूम दिल्ली. बट क्योंकि ये VXI पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन है तो ये पड़ेगी आपको 5.74 लाख्स एक शोरूम दिल्ली के हिसाब से. अब चलिए हम इसके इंजन बे को एक्सेस करते हैं. मैं बता देता हूँ ये VXI मॉडल है पेट्रोल इंजन के साथ, तो इसके अंदर मिलेगा आपको एक K10C का 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस करेगा 49 किलोवाट की और टॉर्क निकालेगा 89 न्यूटन मीटर की. फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो पेट्रोल इंजन विल प्रोड्यूस 26.2 किलोमीटर पर लीटर. और अगर हम इसमें CNG वाला किट ले लें जो कि सिर्फ VXI वेरिएंट में मिलेगा, तो वो आपको 35 km/h का माइलेज अक्लेम करता है. नाउ लेट्स बिगिन विद द फ्रंट वॉक अराउंड. सबसे पहले सेंटर में सुजुकी का लोगो, एक क्रोम गार्निश रनिंग अक्रॉस, ये ब्लैक ग्रिल मिलती है आपको इन द फ्रंट. नीचे नंबर प्लेट की जगह एक स्किड प्लेट मिल जाएगी. VXI वेरिएंट में आपको हैलोजन हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो. और नीचे फॉग लैम्प्स नहीं दिए गए हैं, जबकि वो आपको एक एक्सेसरी का पार्ट मिल सकता है अगर आप साइड वाली गाड़ी में देखें तो. सो अब साइड की तरफ चलते हैं. तो पहले मैं डायमेंशंस आपकी स्क्रीन पर डाल देता हूँ. लेंथ, विड्थ एंड हाइट, व्हील बेस, ग्राउंड क्लियरेंस, सब आप एक बार नज़र फरमा लीजिए. तो व्हील्स पर आते हैं. यहाँ पर आपको मिलेंगे 165/70 R14 इंचेस के स्टील व्हील्स विद व्हील कैप्स. इंडिकेटर फेंडर पर मिलेगा इंस्टेड ऑफ द ORVM. बॉडी कलर्ड ORVM, बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स, और ये ओल्ड स्कूल डोर हैंडल्स मिलने वाले हैं आपको इसमें. नो रिक्वेस्ट सेंसर्स. फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ 32 लीटर्स मिलती है पेट्रोल के लिए, और अगर आप CNG ऑप्ट कर रहे हो तो उसमें आपको अलग से 60 लीटर्स की CNG का टैंक मिलेगा. रेयर प्रोफाइल में सुजुकी का लोगो, सेलेरियो की बैजिंग, और यहाँ पर आपको एक सेंसर दिया गया है टू एक्सेस द बूट. ऊपर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिलता है. VXI वेरिएंट में कोई डिफॉगर नहीं दिया गया है, कोई वाइपर नहीं दिया गया है. नीचे रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाएंगे, बट इसमें आपको कैमरा नहीं मिलने वाला. तो अब चलिए हम बूट एक्सेस करते हैं. कुछ इस तरीके का इसका लेआउट है. तो यहाँ पर बूट स्पेस की बात करें तो आपको 313 लीटर्स की बूट स्पेस मिलने वाली है, जिसमें आपको यहाँ पर देख सकते हो किट वगैरह रखी हुई है. और नीचे स्पेयर व्हील भी आप एक्सेस कर सकते हो. ये किट के साथ आपको सारी मिल जाएगी गाड़ी के साथ ही. तो अगर हम बात करें स्पेयर व्हील की ना, तो वो भी आपको सेम साइज़ का मिलने वाला है फॉर द VXI वेरिएंट. बट अगर आप ZXI प्लस लेते हो तो उसमें 15 इंचेस के अलॉयज होंगे, तो उसके साथ इसमें आपको एक साइज छोटा मिलता है. सीट की बात करें, 60-40 स्प्लिट के साथ मिल जाएंगी सीट्स. ऊपर पार्शियल ट्रे मिल जाएगी आपको, जिसको आप ऐसे रिमूव भी कर सकते हो. सो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से आपको एक लीवर मिलती है, इसको हुक अनहुक करके आप इसको आगे टॉपल डाउन कर सकते हो, तो अपनी बूट कैरिंग कैपेसिटी को आप बढ़ा भी सकते हैं. तो चलो, अच्छा है ये आजकल की गाड़ियों में एक फ़ीचर दिया गया है स्प्लिट सीट्स का. नाउ लेट्स जस्ट क्लोज द बूट. नाउ लेट अस हेड ओवर टू द रेयर सीट और देखते हैं वहाँ पर कैसा कम्फर्ट और क्या इंटीरियर मिलने वाला है आपको इस कार में. सो येस, नाउ लेट्स ओपन दिस डोर. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, एक्चुअली मैं बता देता हूँ, डोर से ही शुरू कर लेते हैं. तो डोर आपको ऑल प्लास्टिक्स मिलेगा, ऑल ब्लैक, बट सिल्वर डोर हैंडल मिलते हैं. नीचे बॉटल होल्डर मिलता है. इस गाड़ी में आपको 6 बॉटल होल्डर्स मिल जाएंगे, कप होल्डर्स. तो सीट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई आइसोफिक्स चाइल्ड सीट नहीं दी गई है सैडली. और अगर हम बात करें यहाँ पर सेंटर आर्मरेस्ट की, वो भी नहीं मिलने वाला. सीट्स, 3-pointer सीट बेल्ट्स मिल जाएगी. दिस इज़ नॉट हाइट एडजस्टेबल हेड रेस्ट. बाकी अब हम अंदर बैठते हैं और आपको बताते हैं कि कितनी जगह मिलने वाली है इंसान को अगर वो 6'4" का है तो. सो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर अभी इनफ लेग रूम और नी रूम दिख रहा है. हेड रूम क्यों, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी आगे वाली सीट मैंने एज अ शॉर्ट पैसेंजर के हिसाब से सेट की है. यहाँ हैंडल मिल जाएगा आपको साइड में, और सेंटर में आपको यहाँ इसके पावर विंडो स्विच मिलते हैं फॉर द रेयर विंडोज़.
बाकी कोई एसी वेंट की प्लेसमेंट नहीं है रेयर पैसेंजर्स के लिए, उधर भी आपको हैंडल मिल जाएगा। डैशबोर्ड की बात करें तो दिस इज़ द बेयर डैशबोर्ड जो कि VXI वेरिएंट में मिलने वाला है। इसमें आप एक्सेसरीज इंस्टॉल कर सकते हो बाद में, वो हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको। सो नाउ लेट्स गेट ओवर टू द ड्राइवर कैबिन, और उससे पहले हम बात करते हैं इस गाड़ी के सारे सेफ्टी एस्पेक्ट्स की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो गाड़ी के अंदर। सबसे पहले मैं बता दूँ, इस गाड़ी में आपको डुअल एयरबैग मिलने वाला है, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर फ्रंट पैसेंजर्स, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक, ABS मिल जाएगा, हेडलाइट लेवलर मिल जाएगा, फ्रंट डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर्स मिल जाएंगे, चाइल्ड लॉक मिल जाएगा, इंजन इमोबिलाइजर भी मिलने वाला है, साथ ही साथ रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, स्पीड अलर्ट सिस्टम एंड डे टू नाइट IRVM मिल जाएंगे। तो मैनुअली कन्वर्ट करने पड़ेंगे बट मिल जाता है। नाउ लेट अस हेड ओवर टू द ड्राइवर डोर और देखते हैं वहाँ पर क्या मिलने वाला है ड्राइवर को अपने हाथ से। तो आप देख सकते हो पहले की वाली एंट्री मिलेगी आपको इस गाड़ी में, इस मॉडल में वही ब्लैक फिनिश्ड डोर मिलते हैं। यहाँ पर कोई कंट्रोल्स नहीं मिलने वाले आपको अपने ORVM और पावर विंडोज के, वो सब सेंटर में होगा। नीचे बॉटल होल्डर मिल जाता है। सीट की बात करें तो आपको इसमें कोई हाइट एडजस्ट नहीं मिलता है, ये आपका रिक्लाइन एडजस्ट करने के लिए है पीछे वाला लीवर, तो ये भी एक चीज़ है। पर लेकिन इसकी सीटिंग पोजीशन पहले से ही ठीक है। यहाँ पर आपको इसका आइडल स्टार्ट स्टॉप मिल जाएगा। दिस इज़ टू कंट्रोल द ORVM विच आर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। यहाँ पर आपका AC वेंट है। अब बाकी हम अंदर बैठ जाएं एक बार तो आपको सब बताते हैं। वैसे VXI मॉडल में आइडल स्टार्ट स्टॉप मिल गया है तो ये काफ़ी अच्छा है, आपकी फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाने वाला है ये भी। सो नाउ लेट्स जस्ट क्लोज द डोर फर्स्ट। पहले से अच्छा फील होता है, इनफैक्ट बिल्ड क्वालिटी अप, बट लेकिन कुछ कह नहीं सकते। बेयर स्टेयरिंग व्हील मिलेगा सुजुकी लोगो इन द सेंटर। और हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको सिंपल एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक टैकोमीटर और स्पीडोमीटर मिल जाएगा। तो स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, नीचे आपको TFT डिस्प्ले, और यहाँ पर आपके लाइट्स कंट्रोल और लेफ्ट साइड में वाइपर कंट्रोल्स मिल जाएंगे इस कार के अंदर। अनफॉर्चुनेटली आई डू नॉट हैव द की राइट नाउ, तो मैं आपको स्टार्ट करके नहीं दिखा सकता। बाकी अगर हम बात करें सेंटर में तो यहाँ पर आपको एक स्पेस मिल जाता है जो कि आप थोड़ा कभी होल टाइप्स, जिसमें आप बाद में आफ्टर मार्केट या फिर शोरूम से इंस्टॉल कर सकते हो स्क्रीन। दीज विंडोज़ आर पावर विंडो स्विचेस, बीच में हजार्ड लाइट का स्विच मिल जाएगा, चाइल्ड लॉक, और साथ ही साथ आपको यहाँ लॉक अनलॉक। सेंटर वाले AC वेंट्स कुछ इस डिज़ाइन में मिलने वाले हैं। नीचे आपको मैनुअली कंट्रोलेबल AC मिलने वाला है। उसके नीचे अगर हम जाएं तो यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलेगा, और दूसरा एक डेड पेडल की तरह आपको बस जगह दी हुई है विच डज़ नथिंग। तो आपको बस इसमें एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, कोई USB चार्जिंग के लिए आउटलेट नहीं मिलने वाला यहाँ पर। नीचे यहाँ पर कप होल्डर्स मिल जाएंगे आपको दो। उसके बाद मैनुअल ट्रांसमिशन है तो 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स विद लेदर स्टैम्प्ड इंडिकेशन, और वहाँ पर आपको मिलता है इसका ग्लव बॉक्स। ग्लव बॉक्स देख लेते हैं, डिसेंट साइज ग्लव बॉक्स मिल जाएगा। टेक्सचर डैशबोर्ड मिलने वाला है विद डिज़ाइन, काफ़ी ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक यूज़ हुई हैं। दिस इज़ द मैनुअली कन्वर्टेबल डे टू नाइट IRVM। ऊपर आए तो यहाँ पर आपको एक कैबिन लैम्प मिल जाएगा हैलोजन के लिए, को ड्राइवर के लिए वैनिटी मिरर मिलता है, और ड्राइवर गेट्स द टोल रिसीट होल्डर ओवर हेयर। सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट द इंटीरियर्स एंड एक्सटीरियर्स ऑफ द न्यू सिलेरियो VXI पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन। सो नाउ लेट मी जस्ट गेट आउटसाइड एंड कंक्लूड विद माई फाइनल वॉक अराउंड एंड फाइनल वर्डिक्ट। सो मैं ये कहूँगा कि ये गाड़ी इस वक्त किनको खरीदनी चाहिए, किनको नहीं। तो इनफैक्ट मैं ये कहूँगा, इफ़ यू वॉन्ट अ डिसेंट परफॉर्मेंस इन अ कार एंड अ गुड फ्यूल एफिशियंसी, दिस कार इज़ मेड फॉर यू। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि मारुति का इंजन इज़ द मोस्ट रिलायबल, तो भी ये गाड़ी आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली। प्लस सर्विस इज़ रियली गुड मारुति की, साथ ही साथ नेटवर्क काफ़ी वाइड है और बेटर रीसेल वैल्यू मिल जाती है, तो मारुति इन सब चीज़ों में तो फेमस है ही। तो इस कंडीशंस के लिए आप इस गाड़ी को ज़रूर चूज़ कर सकते हैं। बाकी VXI विद एक्सेसरीज़ वाला जो वेरिएंट है, मैं उसकी दूसरी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो छोटी वीडियो होगी। सो मैं ये बता दूँ कि अगर आप ये गाड़ी चूज़ करते हैं सो यू विल बी अ स्ट्रेस फ्री मैन, बिकॉज आपको इसको लोकेट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। ऑल ओवर इंडिया काफ़ी अच्छा नेटवर्क है। But if I speak, if it is a value for money model or not, then I'd say it is not a value for money proposition, because अब इससे better cars आपको available हैं market में जो कि same price में आ जाएंगी, but with a better or maybe a bigger engine or a better performance and also safety, plus they provide more features that Maruti is not providing. मैं मतलब ये मानता हूँ कि Celerio जब आई थी इंडिया में तो काफ़ी हिट शो रही थी, तो मारुति ने शायद इनको अपनी ब्रांड वैल्यू के लिए थोड़ा एक्सट्रीम और प्रीमियम चार्ज कर रही है अब हमसे। बट येस, इसके कंपेटिटर्स में भी आपको अच्छी गाड़ियाँ मिल जाएंगी जो कि काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करने वाली हैं फीचर्स। बाकी हम बात करें इस गाड़ी के बारे में, तो मैं यही कहूँगा कि
कि यस यू कैन ऑलवेज चूज इट बट फर्स्ट टेक अ टेस्ट राइड ऑफ दिस कार एंड देन डिसाइड फॉर योर सेल्फ. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर. बाय.